भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में जो बयान दिया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि नुपुर शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पलड़ा झाड़ लिया है और अभी परसों प्रज्ञा, कई प्रज्ञा हैं जो साध्वी हैं, बीजेपी में सम्मिलित हैं, उन्होंने अगर ये बोल दिया कि हम नुपुर शर्मा के वक्तत्व के साथ हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसा हो, बीजेपी ने उनके भी नाक में नकेल कस दी। तो जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती हैं, जब वो पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, जब वो पार्टी उस चीज़ को गलत मान रही है और उनको निष्कासित भी किया हुआ है, और खाली विरोधी दल निष्कासन से भी मान नहीं रहे हैं, वो उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो पहले तो इस पर अपना रुख बीजेपी को ही प्रकट करना चाहिए कि बीजेपी का इस चीज़ पर क्या मानना है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है। नुपुर शर्मा ने जो गलत बोला है उसके बारे में वो डिबेट करने को तैयार हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने संगठन की तरफ से उनके वक्तत्व को ऐसा बहुत ज़्यादा गलत नहीं मानता हूँ। और फिर उन्होंने जब शब्द भी वापस ले लिए, निष्कासन भी उनका हो गया, तो वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए देश हित में। जहाँ तक मैं और ये जो हिंदुओं की बात मैं करूँगा, मुसलमानों की भी नहीं कर रहा, हिंदुओं के जो तथाकथित ये नेता हैं जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जब हमारे हिंदुओं के, इनके ही, ये भी हिंदू हम भी हिंदू, शिव जी पर, गणेश जी पर, दुर्गे जी पर, हनुमान जी पर किस तरीके से गलत तरीके से दिखाया गया, बताया गया फिल्मों में भी, इनकी जुबान जरा भी नहीं हिली। इनको सर मानी चाहिए अपने हिंदू होने पर, इनको सर मानी चाहिए अपने सनातन धर्मी कहने पर। नुपुर शर्मा का चैप्टर तो दूसरा है, जिस धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसके बारे में सच बात तो बोलिए। और हमारे धर्म में एक शास्त्रार्थ की परंपरा है, बहस करने की परंपरा है, जो किसी धर्म में है नहीं, वो नुपुर शर्मा ने चैलेंज कर दिया है, तो क्यों नहीं आप उनका साथ देते? उनका साथ तो तब देंगे जब उनकी पार्टी उनका साथ देगी। बीजेपी की एक बहुत बड़ी गलती ये रही है, इतिहास इसका ये रहा है कि अगर इसका कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी संगठन में या प्रवक्ता कोई चीज़ बोल देता है और विरोधी दल पीछे पड़ जाते हैं, तो सबसे पहले बीजेपी पल्ला झाड़ देती है, बावजूद इसके विरोधियों को शांत नहीं कर पाती, बावजूद इसके विरोधी उनकी उसकी इन चीज़ों संतुष्ट नहीं हो पाते। तो मैं पहले बीजेपी को, बीजेपी वालों से कहना चाहूँगा कि अपना रुख स्पष्ट करें कि नुपुर शर्मा के बारे में आपका पक्का रुख क्या है, आपका उनके बारे में कहना क्या है। विरोधी दलों को गिरफ्तारी से पहले आपकी बात समझ में नहीं आएगी, और सत्य को सत्य कहना सीखें, असत्य को असत्य कहना सीखें, चाहे वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। चंद्रशेखर जी और अटल बिहारी और मेरे पिता के बाद में ये परंपरा बंद हो गई है, बिना लाग लपेट के बेवाक तरीके से अपनी बात रखना चाहिए। तो मेरा कहना तो यही है कि नुपुर शर्मा के संदर्भ में इतनी राजनीति को गंदा ना करें, इतनी राजनीति को गंदा ना खींचें। अगर डिबेट करने को वो तैयार हैं तो किसी भी दल का नेता हो, वो डिबेट करने के उनके साथ आ जाना चाहिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।